उत्तराखंड के जोली ग्रांट में जिस तरीके से पेड़ काटने को लेकर विवाद बढ़ा और त्रिवेंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मेरठ में एक संस्था ने जो गाजियाबाद से लेकर उत्तराखंड तक एक मार्ग निकलता है जिसको सीधे तौर पर कांवड़ मार्ग बोलते हैं, उस मार्ग पर अब चौड़ीकरण का काम होना है, लेकिन उससे पहले ही पेड़ काटने का विरोध संस्था ने शुरू कर दिया है। हालांकि संस्था का क्या तर्क है, चूंकि कोई भी विकास कार्य अगर होता है तो कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन इस संस्था का अपना तर्क है और बाकायदा इसको लेकर आज अजीब तरीके से प्रोटेस्ट किया गया और अपनी मांग रखी गई। मेरे साथ खुद राजेश शर्मा मौजूद हैं, संस्था के अध्यक्ष हैं। सर, आपने एक प्रोटेस्ट किया जिसमें आपने अनोखे तरीके से किया और एक आकर्षण का केंद्र बना रहा, क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके का आपका विरोध है, क्यों आप विरोध कर रहे हैं? मेरा नाम राजेश शर्मा है और मैं सेव इंडिया जन फाउंडेशन से हूँ। हमारा मानना यह है कि अभी लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और उस प्रस्ताव में कहा गया है कि गंग नहर की दाहिनी पटरी पर मुरादनगर से लेकर उत्तरांचल के बॉर्डर तक एक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। ये ठीक है, सड़क का निर्माण होना चाहिए। हमारा मानना यह है कि जो सड़क बनाई जाए पेड़ों को नुकसान ना हो। लोक निर्माण विभाग का जो प्रस्ताव है उसमें ये प्रस्ताव है कि 118 किलोमीटर तक जहाँ रोड है, जहाँ नहर का जो पीक जो वन क्षेत्र है उसे काट के ये लोग रोड बनाना चाहते हैं, जबकि वहाँ विकल्प है, उस रोड की चौड़ाई लगभग 50 मीटर है। हमारा कहना है कि 50 मीटर रोड है, आप 30 मीटर छोड़ दो, उसे रिजर्व कर दो, जो बाकी 20 मीटर है वहाँ पेड़ नहीं है, आप वहाँ रोड बना लो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो उस तरफ के किसान हैं उन्हें उससे बहुत फ़ायदा होगा, वो अपना व्यापार कर सकते हैं, उनकी ज़मीन के रेट बढ़ सकते हैं। अगर ये रोड पेड़ काट के सड़क के बीच से बनाई गई तो उससे बहुत नुकसान होगा, ये 60,000 पौधे कटेंगे। और सेव इंडिया जन फाउंडेशन ने इसके लिए चिपको आंदोलन शुरू कर दिया है, हम लोग पेड़ नहीं कटने देंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं जो पेड़ वाला जो पार्ट है वो बीच में ले लिया जाए, बाकी बराबर में रोड हो जाएगा, जो वर्तमान में है वो हो जाएगा, ये आपके माध्यम से समाधान है। लेकिन ये देखा ये जा रहा है कि उत्तराखंड में जोली ग्रांट जो एयरपोर्ट है उसका विस्तार होना था, वहाँ भी यही चिपको आंदोलन चला, अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है आपकी जो बात है पीडब्ल्यूडी विभाग या सरकार मानेगी? देखिए, आज पूरे देश में ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, आज प्रदूषण को लेके पूरी गवर्नमेंट और जो देश के जागरूक नागरिक है वो सब लोग बहुत ज़्यादा जो है जागरूक भी हैं। हमारा मानना है कि जोली ग्रांट में मैं चूँकि भौगोलिक स्थिति से परिचित नहीं हूँ कि वहाँ पेड़ कहाँ कटने थे, लेकिन यहाँ जो स्थिति है यहाँ विकल्प है गंग नहर की पटरी पर इतनी जगह है जहाँ पेड़ नहीं है, ये रोड वहाँ बन सकती है, वहाँ बनेगी तो 50-60 हज़ार पेड़ कट जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हमें चिंता किस बात की है कि ये गंग नहर है, ये 1836 में स्थापित हुई थी और ये गंग नहर चूंकि हमें आज़ादी में मिल गई सौगात में, ये गंग नहर एक ऐसी नहर है कि दुनिया का एक अलग ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये ऐसी नहर है पूरे देश में क्या दुनिया में विश्व की ऐसी नहर है जो पानी रिचार्ज करती है। पानी रिचार्ज की वजह है कि इसके दोनों ओर घने पेड़ खड़े हुए हैं, दोनों ओर वन क्षेत्र हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा चिंतित हैं कि अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो नहर का वजूद खत्म हो जाएगा। अच्छा, इतनी बड़ी तादाद में ये पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और एक अच्छा वातावरण मिलता है, क्योंकि तमाम जो टूरिस्ट हैं इसी रोड से निकल कर जाते हैं और यहीं से एक आकर्षण का केंद्र लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग को ये चाहिए था जो प्रस्ताव बेहतर तरीके से भेजते, क्योंकि पूरे देश में पेड़ लगाओ पौधे लगाओ आंदोलन चलते हैं, लेकिन अब पौधे लगाओ पेड़ लगाओ के विपरीत ये काटने का अभियान चल रहा है, आपको नहीं लगता जो अधिकारी हैं इनको देखना चाहिए था इस तरीके से काम कर रहे हैं, सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उन पर भी उन पलीता लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार ये चाहती है, पूर्व में भी अखिलेश सरकार ने तमाम पौधे लगाए पेड़ लगाए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की, वर्तमान में भी स्थिति है, योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि पेड़ पौधे लगे, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो खत्म हो चुकी है, ओजोन परत जो है वो धीमे धीमे पतली होती जा रही है। देखिए, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश ये इतना भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, आज तक जितनी भी इन्होंने सड़कें बनाई होंगी जो पेड़ काटे होंगे, अगर हम अभी जाकर सर्वे करें तो कहीं ऐसा पेड़ नहीं होगा जो उखाड़ दिए होंगे, इन्होंने पेड़ लगा दिए होंगे। हमारा तो सिर्फ इससे क्योंकि हमें नहर को बचाना है, नहर को प्रदूषण से बचाना है, जिस दिन पेड़ यहाँ से कट गए तो नहर प्रदूषित हो जाएगी और जब नहर प्रदूषित होगी तो पानी रिचार्ज नहीं होगा। यहाँ जो करोड़ों जीव जंतु हैं, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई नहर करती है, ये अब नहीं, अगर पेड़ कटेंगे और प्रदूषित नहर हो जाएगी तो अब नहीं तो 3-4 दशक बाद इस नहर का वजूद खत्म हो जाएगा और हम ऐसा करने नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ का पानी गाजियाबाद दिल्ली जाता है, लोग पीते भी हैं, अगर आपकी इन मांगों पर विचार नहीं होता, आपकी बात नहीं मानी जाती तो आगे क्या आपका स्टैंड रहेगा? देखिए, हमने चिपको आंदोलन 2 जनवरी 2021 को शुरू किया है और हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम लोग चाहते हैं कि नहर का वजूद बचा रहे, पेड़ बचा रहे, क्योंकि यहाँ विकल्प है सड़क बनाने के लिए, हम सड़क के विरोधी नहीं है।
और रही बात पेड़ काटने की, तो पेड़ तो नहीं काटने देंगे। चिपको आंदोलन हमने शुरू कर दिया, पेड़ काटने से पहले हम लोग कटेंगे, क्षेत्र के हजारों लोग कटेंगे, और ये लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव वापस लेना पड़ेगा। जो विकल्प है बराबर में रोड है, 20 मीटर छोड़कर आप रोड बना लो, हम इसका कोई विरोध नहीं करेंगे, और ये पेड़ तो हम कटने नहीं देंगे चाहे हमारी जान चली जाए। तो बिल्कुल जो राजेश शर्मा है उनका कहना है पेड़ नहीं काटे जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। हालांकि तमाम जो लोग हैं उनका यही तर्क है कि पेड़ लगाए जाएं लेकिन काटे नहीं जाएं। एक मेरे साथ और सामाजिक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? शैलेंद्र चौधरी। चौधरी साहब ये बताइए, आप भी इस चिपको आंदोलन में शामिल हैं, किस तरीके की रणनीति रहेगी? क्योंकि शर्मा जी ने साफ कर दिया है हम कटेंगे, पहले पेड़ नहीं कटेंगे, आपको क्या लगता है कितनी तादाद में लोग आपके साथ हैं? देखिए इस पूरे मूवमेंट को आप पहले ये समझिए कि गंग नहर जो है इस क्षेत्र की नील नदी है, ये यहाँ की जीवन रेखा है वेस्ट यूपी की, और जितने लोग इससे प्रभावित होते हैं, जितने लोगों के जीवन पे इससे असर पड़ेगा, वो सब लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। ये गांव-गांव में जहाँ के मुहिम चलाई जा रही है, ये संस्था फाउंडेशन जो है हमारा, ये हर जगह जाके गांव में लोगों को इस चीज़ को समझा रहा है कि क्या इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके देखते हैं। तो गाँव के लोग सब जुड़ रहे हैं और ये पूरा जन आंदोलन का रूप ले रही है व्यवस्था, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में दरअसल हुआ क्या है कि पहले जो प्रस्ताव भेजा गया था वन विभाग द्वारा, उन्होंने इसकी दाई पटरी की तरफ ही सड़क बनाने का प्रस्ताव विभाग को भेजा था। अब ये नहीं पता कि किन लोगों के हितों को साधने के लिए ये प्रस्ताव बदल के रोड को दूसरी तरफ लाया गया, जबकि इस तरफ कम पेड़ काटे जाने थे। इसके बावजूद उस जगह सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है जहां ज़्यादा पेड़ों की संख्या में कटाई होगी। तो ये इस समय NCR जिस स्थिति से गुजर रहा है और NGT जिस तरह पूरे क्षेत्र को बार बार बंद करने पर मजबूर होता है, तो आप ऐसी स्थिति में आप इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काट के आप क्या साबित करना चाहते हैं? अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, क्या इस बात को लेकर आपका कोई डेलीगेशन CM से मिलेगा? बिल्कुल, इस बारे में तैयारी की जा रही है। इस बारे में NGT को सारे तथ्यों के साथ, NGT को इस पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा, पर्यावरण मंत्रालय को इसमें सारे फैक्ट के साथ अवगत कराया जाएगा। हम जितने भी विभाग जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं वहाँ हर जगह अपनी इस चीज़ को, जो हमारे पास संवैधानिक उपाय हैं उन सबका हम इस्तेमाल करेंगे, हर जगह हम पहुँचेंगे। और ये एक जन आंदोलन है, बात यह है कि पेड़ ना कटे, आप सड़क बनाइए, सड़क बनाने के जो विकल्प मौजूद है उनका इस्तेमाल करिए, आप इस क्षेत्र की जीवन रेखा को नष्ट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सामाजिक जो लोग हैं वो लगातार पर्यावरण को लेकर मुहिम चलाते रहते हैं, लेकिन चिपको आंदोलन जो नए तरीके शुरू हुआ है, ऐसे में देखना यही होगा कि इनका आंदोलन कितना सफल होगा और क्या सरकार जिस मांग को चाहते हैं उस मांग को मानने के लिए राजी होगी। मेरठ से अपने सहयोगी महफूज के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।